अगर आप भी अपने कैनवा के डिजाइन को या अपने टेम्पलेट्स को अपने टीम मेंबर्स के साथ या अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। मुझे अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक पर बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं कि हमने आपके टीम लिंक के साथ कैनवा प्रो को ज्वाइन कर लिया है तो क्या हमारे डिज़ाइंस आपके साथ शेयर हो रहे हैं या नहीं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सब कुछ डिटेल में बताऊंगा, तो चलें स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हावर इकबाल और आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैनवा के डिज़ाइन को किस तरह शेयर कर सकते हैं और इसके साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपके डिज़ाइन किसके साथ शेयर हो रहे हैं तो आप उसको किस तरह से चेक कर सकते हैं। तो जी, इसके लिए ऊपर देखें, आपको ये एक शेयर का बटन नज़र आएगा, आपने सिंपल इस पर क्लिक करना है। तो उसके बाद अगर आपने कोई टीम लिंक को ज्वाइन किया हुआ है तो उसका नाम सामने आ जाएगा, जैसा कि ये मेरे सामने नाम आ रहा है बाबा जी नॉलेज वाला। तो उसके सामने आपको एक आइस का निशान नज़र आएगा जिसके ऊपर लाइन लगी हुई है, आपने सिंपल उस पर क्लिक कर देना है। आप उस पर जब क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं नॉट शेयर्ड वाला जो ऑप्शन है उसके ऊपर टिक लगी हुई है। इसका मतलब यह है कि आपका डिज़ाइन किसी के साथ भी शेयर नहीं हो रहा। अब इसके बाद अगर आप अपने डिज़ाइन को अपने टीम मेंबर्स के साथ या और जिन लोगों ने मेरे कैनवा की टीम को मेरे टीम लिंक से ज्वाइन किया हुआ है उनके साथ शेयर करना चाहते हैं तो आपके सामने मज़ीद दो ऑप्शन आएंगे। पहला जो ऑप्शन है वो है कैन एडिट। इसका मतलब यह है कि अगर आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो जो आपका डिज़ाइन है वो तमाम मेंबर्स के साथ शेयर हो जाएगा और वो इसको एडिट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे जो है कैन व्यू, इसका मतलब यह है कि वो सिर्फ इस डिज़ाइन को देख सकते हैं, इसको एडिट नहीं कर सकते। तो आपने सिंपल नॉट शेयर्ड वाले ऑप्शन पर ही टिक मार्क रहने देना है ताकि आपका डिज़ाइन किसी के साथ भी शेयर ना हो। इसके बाद ये चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो ये है कि आप अपने डिज़ाइन को किसी के साथ भी शेयर किस तरह से कर सकते हैं। इसके लिए भी दो तरीकाकार हैं जिससे आप अपने डिज़ाइन को किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऑप्शन है वो ये है कि आप सिंपल यहाँ पर उस बंदे का ईमेल टाइप करेंगे जिसके साथ आप अपने डिज़ाइन को शेयर करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ये एक ईमेल लिख रहा हूँ और इसके बाद आपने ईमेल लिखने के बाद सिंपल सेंड वाले बटन पर क्लिक करना है तो आपका डिज़ाइन उस बंदे के साथ शेयर हो जाएगा, उसको ईमेल जाएगा जहाँ से वो क्लिक करके कैनवा की वेबसाइट को ओपन करके उस डिज़ाइन को देख सकता है। इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है वो ये है कि आप लिंक को शेयर करके भी अपने डिज़ाइन को शेयर कर सकते हैं। आप किसी के साथ अपना कैनवा का लिंक किस तरह से शेयर करेंगे, इसके लिए सिंपल आपने जो नीचे आपको निशान नज़र आ रहा है शेयर अ लिंक टू वॉच, आपने इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने मज़ीद तीन ऑप्शन आ जाएंगे। जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो है शेयर अ लिंक टू एडिट। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसका मतलब ये है आप जिसके साथ भी अपने डिज़ाइन को शेयर करेंगे वो इसको एडिट कर सकता है। लेकिन अगर यहाँ से आप सेकंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे इसका मतलब यह है कि वो आपके डिज़ाइन को एज अ टेम्पलेट यूज़ भी कर सकता है। इसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है शेयर अ लिंक टू वॉच, इसका मतलब यह है कि आप जिसके साथ भी अपने डिज़ाइन को शेयर करेंगे वो इसको सिर्फ वॉच कर सकता है, इसको एडिट नहीं कर सकता। तो आपने सिंपल जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करना है उसको सेलेक्ट करने के बाद सिंपल आपने ये जो कॉपी लिंक वाला बटन है इस पर क्लिक करना है तो आपका लिंक कॉपी हो जाएगा। अब आप ये देख सकते हैं मैंने जो कॉपी किया है शेयर अ लिंक टू वॉच, मतलब मैं जिसके साथ भी इस लिंक को शेयर करूंगा वो सिर्फ इसको वॉच कर सकता है, इसको एडिट नहीं कर सकता। तो चलिए अब हम एक न्यू ब्राउज़र को ओपन करते हैं और वहाँ पर हम चेक करते हैं हमारा लिंक किस तरह से काम कर रहा है। तो मैंने सिंपल वो लिंक यहाँ पर पेस्ट किया है तो आप ये देख सकते हैं ये डिज़ाइन मेरे सामने आ चुका है। तो मैं सिर्फ इस डिज़ाइन को देख सकता हूँ, इसमें किसी किस्म की एडिटिंग नहीं कर सकता। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इस तरह के मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।